गुजरात और राजस्थान में तेज बारिश का कहर जारी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक भीषण गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं। हीटवेव ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। दोनों राज्यों में हीटवेव कहर बनकर टूटी है। उत्तर प्रदेश और बिहार में हीटवेव से 100 से अधिक लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने हीटवेव से मौत की खबरों से इनकार कर दिया है। यूपी में सबसे ज्यादा मौत बलिया में हुई है। यहां करीब 54 लोगों ने दम तोड़ा है, तो वहीं बिहार में मौत के आंकड़े 44 हैं। ये आंकड़े 15 से 18 जून के बीच के हैं। यूपी के स्वास्थ्य विभाग के निर्देशक का कहना है कि इलाज के लिए आने वाले अधिकांश मरीजों की शिकायत है कि उन्हें सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और तेज बुखार की शिकायत हुई है। हम यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और अन्य टेस्ट करवा रहे हैं। बाकी मरीज डर और दहशत के मारे अस्पताल आ जा रहे हैं। भर्ती किए गए अन्य मरीजों में वे लोग शामिल हैं जिन्हें पहले कोई बीमारी थी। हम सैंपल ले रहे हैं, उसके बाद मौत की पुष्टि का कारण हो सकेगा। बलिया जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि अस्पताल के सभी कर्मचारी अलर्ट मोड पर हैं। 3 दिन में करीब 400 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए हैं। जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या इस कदर है कि मरीजों को स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और लोग अपने मरीजों को कंधे पर उठाकर इमरजेंसी तक ले जा रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में, दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में बहुत तेज लू चलने की संभावना जताई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने 20 जून तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। सरकार ने लोगों को दोपहर के वक्त घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। आसाम में तो बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, करीब 35,000 लोग प्रभावित हुए हैं। सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन से करीब 100 घर तबाह हो गए हैं। चक्रवात बिपरजॉय के चलते राजस्थान के 3 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। जम्मू में बारिश और तेज हवा चल रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश में तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली NCR में सोमवार सुबह रुक रुक कर बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। आज दिल्ली NCR में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। IMD के एक अधिकारी ने सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है।